Hello, students. How are you all? So, students, take out your English textbook, or Packed with the Sun. Today, we will study our new chapter that is the friendly mongoose. Okay? Friendly means matripun, dostana, ya anukul. Okay? Mongoose. मंगूज एक जानवर का नाम है ठीक है नेवला ठीक है मंगूज मींस नेवला ठीक है हम इसको मैत्रीपूर्ण नेवला भी बोल सकते हैं या अनुकूल नेवला भी बोल सकते हैं ओके अ फार्मर हिज वाइफ एंड द स्मॉल चिल्ड चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज फार्मर किसान वाइफ पत्नी स्मॉल चाइल्ड छोटा बच्चा लिवड रहना विलेज गांव ठीक है एक फार्मर उसकी पत्नी और उस उनका एक छोटा बच्चा गांव में रहता था देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव वुड बी डेअर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर ओके बेबी मंगूस मीन्स छोटा नेवला हाउस घर बिलीव विश्वास था विश्वास था कंपेनियन मीन्स साथी फ्रेंड दोस्त फ्यूचर भविष्य ठीक है वहाँ ऑल एक जो बेबी मंगूस भी था उनके घर में और उन्हें विश्वास था कि वह जो बेबी मंगूस है वो उनके उनका जो छोटा बेटा था उसका अच्छा दोस्त बनेगा भविष्य में वन डे द फार्म एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस ठीक है फार्मर किसान वेंट आउट मीन्स बाहर जाना लिविंग छोड़ना अलोन अकेले विथ के साथ ठीक है एक दिन जो किसान और उसकी जो पत्नी थी वो अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला छोड़ के कहीं बाहर गए थे एंड हिज वाइफ लिव्ड इन विलेज विद स्मॉल सन ओके वंस एक बार एक फार्मर एक किसान और उसकी पत्नी ठीक है वाइफ मीन्स पत्नी विलेज गाँव स्मॉल सन मीन्स छोटा लड़का ठीक है एक बार एक फार्मर और उसकी जो वाइफ थी वो गांव में रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ दे लव्ड हिम वेरी मच लव्ड मीन्स प्यार करना ओके okay? वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे वी मस्ट हैव अ पेट ओके We must have a pet means हमारे पास कोई पालतू जानवर होना चाहिए द फार्मर said टू हिज वाइफ वन डे ठीक है जो किसान था उसने अपनी वाइफ से एक दिन ऐसा कहा कि हमारे पास पालतू जानवर होना चाहिए वैन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन ओके ग्रोज अप means बड़ा हो जा होना ठीक है कंपेनियन साथी ओके okay? तो उसने बोला फार्मर ने किसान ने बोला जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा तब उसे एक साथी की जरूरत होगी दिस पैट विल बी अवर सन्स कंपेनियन और जो यह पैट होगा जो यह पालतू जानवर होगा वो पैट मीन्स पालतू जानवर जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बेटे का साथी होगा मीन्स उसका दोस्त होगा हिज वाइफ लाइक द आइडिया लाइक मीन्स पसंद करना आइडिया मीन्स विचार ठीक है जो उसके पति ने जो विचार रखा कि एक पेट एनिमल होना चाहिए ठीक है तो वो जो विचार था वो उसकी वाइफ को अच्छा लगा वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉड विथ हिम अ टाइनी मांगूस वन इवनिंग एक शाम लाना टाइनी एक शाम जो किसान था वो अपने साथ एक छोटा सा लेके आया बेबी मंगूज वो क्या था एक छोटा सा बेबी नेवला था सेड इज वाइफ बट विल फुली ग्रोन ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन ओके तो उसने कहा uh, जो वो फार्मर था एक मंगूज लेके आया छोटा सा तो उसकी वाइफ ने कहा ये तो बेबी मंगूज है ठीक है और लेकिन बट मीन्स लेकिन फुल्ली ग्रोन मीन्स पूर्ण तरह पूर्ण तरह पूर्णतया विकसित हो जाएगा ठीक है तो बोल रही है कि ये तो छोटा सा बेबी मंगूज़ है लेकिन बहुत जल्द सुन मीन्स बहुत जल्द ये जो बेबी मंगूज है पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा मीन्स बड़ा हो जाएगा

ठीक है जो बेबी था जो उनका बच्चा था और जो नेवला था दोनों के दोनों बड़े हो गए इन फाइव और सिक्स मंथ्स द मंगूव हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड bushy टेल ओके ग्रोन मीन्स बड़े हो गया बड़ा हो गया ठीक है फुल साइज मीन्स अपने आ, पूर्ण तरह मतलब फुल साइज मीन्स अपने पूरे आकार में लवली बहुत प्यारा जानवर लवली एनिमल मीन्स प्यारा जानवर शाइनिंग ब्लैक आइज मीन्स काली चमकदार आँखें बुशी टेल मीन्स घनी सी पूछ ओके तो बोल रहा है कि आ, सिर्फ मीन्स पाँच या छः महीने में जो बेबी मांगूस था वो फुल्ली ग्रोन हो गया मीन्स पूरी तरीके से बड़ा हो गया और वो बहुत ही प्यारा जानवर था उसकी जो मतलब जो आँखें थी वो बहुत ही चमकदार काली आँखें थी और जो उसकी पूछ थी बहुत ही घनी थी मीन्स जबरीली थी द फार्म सन वॉज स्टिल अ बेबी इन इन द क्रेडल स्लिपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली ओके वो बोल रहे हैं कि जो किसान का लड़ बच्चा था जो किसान का लड़का था स्टिल मीन्स अब तक ठीक है स्टिल अब तक क्रेडल मीन्स पालना या झूला alternately means बारी बारी से ठीक है तो बोल रहा है कि जो फार्मर का बच्चा था लड़का था वो तो अभी भी पालने में मतलब अब तक पालने में ही था means छोटा ही था ठीक है जनरली five six मंथ्स के बच्चे जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं तो वो अधिकतर क्या करते हैं बारी बारी से खाते हैं रोते हैं सोते हैं ठीक है वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट ओके वन डे एक दिन वॉन्टेड चाहना मार्केट बाजार ठीक है एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो बाजार जाना चाहती थी शी fed द बेबी एंड rocked हिम टू स्लीप इन his little क्रैडल ओके okay? fed द बेबी means बेबी को भोजन कराना ठीक है फेड means भोजन कराना rocked means झुलाना ओके okay? लिटिल क्रेडल मीन्स छोटा सा पालना ठीक है तो उसको बाज़ार जाना था तो उसने बेबी को खाना खिलाया और उसको झूले में जुला कर उसके छोटे से झूले में जुला कर उसको सुला कर वो बाज़ार के लिए निकल गई पिकिंग अप द बास्केट पिकिंग अप मीन्स उसने बास्केट लिया पिकिंग अप मीन्स लेना किसी चीज़ को लेना या उठाना उठाना ओके उसने बास्केट उठाया उसने टोकरी उठाई शी शेड सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार ओके okay? उसने टोकरी उठाई और अपने हस्बैंड को कहा कि आई एम ऑफ टू बाजार मीन्स मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ ठीक है इसका मतलब है आई एम ऑफ टू बाजार मीन्स मैं बाजार के लिए निकल रही हूं द बेबी इज स्लीपिंग जो बेबी है हमारा बेबी जो है वो सो रहा है स्लीपिंग मीन्स सोना कीप एन आई ऑन हिम ठीक है कीप एन आई ऑन हिम उस पर नज़र रखना means अब मेरे हमारे बच्चे को आप देखना फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूव ठीक है फ्रेंकली मीन्स होता है साफ साफ या स्पष्ट रूप से लाइक like मीन्स पसंद लीव छोड़ना अलोन अकेले मंगूस नेवला मीन्स मैं स्पष्ट रूप से बोलूँ तो मुझे अपने बच्चे को उस मंगूस के साथ अकेले छोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है यू नीड नाट टू बी अफ्रेड ओके यू नीड यू नीड नाट बी अफ्रेड मीन्स वो कह रहा है तुम्हें अफ्रेड मीन्स डरना तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सेट अ फार्मर किसान ने अपनी वाइफ को कहा द मंगूव इज अ फ्रेंडली एनिमल ठीक है वो बोल रहे कि जो मंगूव होते हैं वो जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण जानवर होते हैं मीन्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं फ्रेंडली मीन्स मैत्रीपूर्ण इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो तो किसान बोलता है जो नेवला है वो हमारे बेबी की तरह ही क्या है बहुत प्यारा है सो इट मीन्स प्यारा ठीक है बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स मीन्स सबसे अच्छे दोस्त मीन्स वो बोल रहा है कि और ये लोग क्या है बहुत अच्छे दोस्त हैं तुम जानती हो द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्म हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हैज फील्स नॉट फार अवे ठीक है वाइफ वेंट अवे मीन्स चले जाना ठीक है किसान डिसाइडेड तय करना अ लुक एक बार देख के आना फील्ड खेत फार अवे मीन्स दूर ठीक है तो जो उसकी वाइफ थी वो चली गई और जो फार्मर था जो किसान था उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था घर में तो उसने तय किया कि वो बाहर जा, सो जाए अपने खेत में जाके एक बार देख के आएगा ठीक है जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं था ही some, some time, ठीक है फ्रेंड्स means दोस्त वे मींस रास्ता ठीक है रिटर्न वापसी क्वाइट काफ़ी टाइम मीन्स कुछ देर के लिए तो बोल रहा है जब वो वापस घर के लिए आ रहा था तो उसे रास्ते में कुछ उसके दोस्त मिल गए और वो घर मतलब कुछ देर के मतलब काफ़ी देर तक के लिए वापस नहीं आ सका मीन्स बहुत टाइम हो गया वो वापस नहीं आ पाया द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अवी बास्केट ठीक है रिटर्न मीन्स वापस रिटर्न होम मीन्स वापस घर आना मार्केट बाजार कैरिंग अ हैवी बास्केट ठीक है उसने एक बहुत भारी सी टोकरी पकड़ी थी हैवी मीन्स भारी बास्केट मीन्स टोकरी कैरिंग मीन्स पकड़ना ओके शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज ठीक है फाउंड मीन्स पाया मंगूस नेवला एंट्रेंस मींस प्रवेश द्वार ब्लड खून फेस चेहरा, पॉज पंजे, ठीक है उसने अपने प्रवेश द्वार पे मंगूस को पाया ठीक है और जो कि उसके चेहरे और उसके जो पंजे थे वो खून से सने हुए थे शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर्सन ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन ओके शिजम टू द कंक्लूजन मीन्स वो इस निष्कर्ष पे आई की जो वो ब्लड ब्लड मीन्स खून जो ब्लड है वो किसका है उसके बेटे का ब्लड है और जो मंगूज है वो वॉज द गिल्टी वन गिली वन मीन्स वो अपने मीन्स वो गुनहगार है ठीक है गिल्ती वन मीन्स गुनहगार द फार्मर्स वाइफ finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. Okay, finished her shopping means अपना जो खरीदने का काम था वो खत्म करना. Okay, came back means वापस आना. Basket of basket टोकरी. Groceries means होता है पर किराने का सामान या परचून का सामान ठीक है तो जो वो शॉपिंग करके जब ख़त्म मतलब वो ख़त्म करके वापस आ गई ठीक है उसके हाथ में क्या था एक ग्रॉसरीज की बास्केट था ठीक है सी शो सी शो शौ, शो मंगू सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर ठीक है सो देखना सिटिंग आउटसाइड बाहर बैठना वेटिंग इंतजार ठीक है तो उसने देखा कि जो नेवला था वो बाहर की तरफ बैठा है और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा है ऑन ही रैन टू वेलकम हर एज एज वॉज कस्टमरी ठीक है जैसे ही ऑन सीइंग हर मीन जैसे ही उसने उसको देखा ठीक है ही रैन टू वेलकम हर स भागा वेलकम मीन्स स्वागत करने के लिए ठीक है वो बोल रहा है कि जैसे उसने देखा कि वो किसान की वाइफ शॉपिंग खत्म करके आ गई तो वो झट से भाग के उसका स्वागत करने के लिए गया एज वॉज कस्टमरी एज जैसे कि कस्टमरी मीन्स होता है प्रथानुसार जैसे प्रथानुसार होता है ना कि जैसे कोई आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं तो वैसे जैस जैसे उसकी वाइफ आ, फार्मर की वाइफ शॉपिंग खत्म करके बाजार से घर आई तो जो आ, मंगूस था वो आ, प्रवेश द्वार पे ही खड़ा था और उसको मतलब उसको देखते ही मतलब भाग हाँ के आया जैसे कि वेलकम कर रहा है जैसे कि प्रथा मतलब प्रथा में होता है ना वेलकम करते हैं हम लोगों का द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ठीक है फार्मर्स वाइफ took वन लुक मीन्स एक बार उसने देखा एक बार देखना स्क्रीम मीन्स चिल्लाना ठीक है तो जो फार्मर की वाइफ थी उसने एक नज़र मंगूस की तरफ देखा तो वो बहुत जोर से चिल्लाई ब्लड शी क्राइड ब्लड खून शी क्राइड क्राइड मीन्स रोना ब्लड उसमें खून और वो बहुत जोर से रोई द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज ब्लड ठीक है जो फेस चेहरा पॉज पंजे स्मर्ड विद ब्लड मीन्स खून से सने हुए ठीक है जो उसका उस मंगूस का जो फेस था उसका जो उसके जो पंजे थे वो पूरी तरीके से खून से सने हुए थे यू विथ एनिमल यू हैव किल्ड माई बेबी शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली ओके विग्ड मीन्स विग्ड एनिमल मीन्स यू दुष्ट दुष्ट एनिम दुष्ट जानवर ओके किल्ड मीन्स मारना स्क्रीन मीन्स चिल्लाना हिस्टेरिकली मीन्स पागलों की तरह ठीक है वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा दुष्ट जानवर हो तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle okay blind with rage means hota hai क्रोध के कारण गुस्सा मीन्स अंधा हो जाना मतलब वो क्रोध के कारण अंधी हो चुकी थी स्ट्रेंथ मीन्स ताकत ब्रॉड डाउन मीन्स नीचे रखना या नीचे फेंकना हैवी बास्केट भारी टोकरी जो कि फुल ऑफ ग्रॉसरीज मीन्स जो कि उस परचून के सामान से भरी हुई थी तो वो क्रोध के कारण बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अंधी हो चुकी थी और उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जो वो बहुत भारी सी टोकरी थी जिसमें परचून का सामान था उसने बहुत ही ज्यादा जोर से नीचे की तरफ फेंका चाइल्ड ब्लड स्मेर मंगूस मीन्स खून से सना हुआ नेवला रैन इन साइड मीन्स अंदर जाना अंदर दौड़ना क्रेडल मीन्स पालना ठीक है उसने जो भारी सी टोकरी थी वो खून से सने हुए नेवले के ऊपर बहुत जोर से ताकत दिखाते हुए नीचे पटक दी और जल्दी से भाग के अपने जो बच्चा अपने बच्चे के पालने की तरफ अंदर को गई द बेबी वॉज फास्ट ए स्लीप मीन्स जो बच्चा था इसका मतलब होता है बच्चा बहुत गहरी नींद में सोया था बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टर्न एंड ब्लीडिंग ठीक है मीन्स की उसने फ्लोर मीन्स होता है जमीन ले मीन्स पड़ा पड़ा होना ब्लैक काला स्नेक सांप टॉर मीन्स नोच डाला हुआ ब्लीडिंग खून बहना ठीक है तो बोल रही है कि जैसे ही मैं अंदर भागी तो मैंने देखा जो मेरा बच्चा था वो बहुत गहरी नींद में सोया था और लेकिन जो फर्श पे था एक काला सांप था जो कि उसको देख के लग रहा था कि इसको नोच डाला है और उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था इन अ फ्लैश ठीक है इन अ फ्लैश शी रियलाइज वट हैड हैपन ठीक है इन अ फ्लैश मीन्स होता है एक पल में ठीक है रियलाइज मीन्स उसे पता चला रियलाइज मतलब उसे एहसास हुआ वट हैड हैपन कि क्या हुआ ठीक है आ, उसे रियलाइज़ हो गया कि क्या हुआ शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस रैन आउट मीन्स बाहर गई लुकिंग देखना मंगूस नेवला ठीक है वो बाहर गई और उसने देखा मंगूस को ओह यू सेव्ड माय चाइल्ड अरे सेव मीन्स बचाना ठीक है अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया यू किल द स्नेक किल मींस मारना स्नेक मीन्स सांप तुमने सांप को मारा वट आई वट हैव आई डन अब मैंने ये क्या कर दिया शी क्राइड टचिंग द मंगूस क्राइड रोना टचिंग छूना ठीक है तो वो बहुत रोते हुए मंगूस को छू रही थी हु डेड एंड स्टिल मीन्स फूल ए डेड डेड मीन्स होता है जो मर चुका था और स्टिल मीन्स होता है स्थिर ठीक है जो जो वो मंगूस था वो उसको छू के बहुत रोती है जो कि वो मर चुका था और स्थिर था मीन्स मर चुका था तो स्थिर होगा ठीक है अन अवेयर ऑफ हर सोबिंग ठीक है अनवेयर मीन्स होता है अनजान सोबिंग मीन्स होता है रोना धोना ठीक है अब वो मर चुका था तो वो बिल्कुल जो वो फार्मर की वाइफ थी वो रो रही थी ठीक है तो वो बिल्कुल अनजान था उस चीज़ से ठीक है जो रोना धोना कर रही थी अब मर चुका था ठीक है उसे कुछ भी अब मरने के बाद उसे कुछ भी ऐसा मतलब फील नहीं होता है कुछ भी द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हिस्टली एंड रैशली स्टार स्टेय लॉन्ग एट द डेड मंगूस ठीक है जो उस किसान की वाइफ थी हुड एक्टेड हिस्ली एंड रेशली एक्टेड हिस्ली एंड रेशली मीन्स होता है जल्दीबाजी और उतावलेपन से काम करना ठीक है ठीक है उसने देखो बिना सोचे समझे बहुत भारी सा जो साँव टोकरी लाई थी वो मंगूस के ऊपर फेंक दिया ठीक है तो उससे क्या हो गया वो मर गया तो उसने मतलब बिना सोचे समझे बहुत जल्दी बाजी में जो ये काम किया बहुत ही गलत किया स्टेय लॉन्ग एट द डेड मंगूज मतलब एक टक स्टेड मीज घूरना ठीक है लॉन्ग मीज देर तक ठीक है उस जो मृत पड़ा हुआ जो नेवला था उसको बहुत देर तक एक टक होके घूर रही थी देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग ठीक है हर्ड मीन्स सुनना बेबी क्राइम मीन्स बेबी का रोना ठीक है तब उसने बेबी का रोना सुना वाइपिंग हर्ड टीयर्स शीवेंट इन टू इन टू फीड हिम ठीक है वाइपिंग मीन्स पोछना टीयर्स आंसू फीड हेम मीन्स भोजन खिलाना ठीक है तो जैसे उसने रोना सुना तो उसने अपने आंसू पोछे और वो अंदर अपने बच्चे को खाना खिलाने या भोजन खिलाने के लिए अंदर गई दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र ठीक है ये स्टोरी हमें हमने आ, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है पंचतंत्र से ओके आई होप आप लोग को ये स्टोरी समझ में आई होगी ओके इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर ओके दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव अक्स्ट डे